नमस्कार, 7C में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बालनाटा के प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर पार्टी में मची खलबली। बीजेपी विधायक खुशीराम बालनाटा ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल की मंत्रिमंडल से विदाई तय, अब संगठन का कामकाज देखेंगे। और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घोटालों की सरकार बताया, वीरेंद्र चौधरी ने कहा भ्रष्टाचार में बीजेपी के कई मंत्री फंसे। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। बीजेपी विधायक खुशीराम बालनाटा द्वारा प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई है। जी हां, बीजेपी नेताओं ने खुशीराम बालनाटा पर इस मामले को लेकर चौतरफा हमले करने शुरू कर दिए हैं। वीरवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, प्रवक्ता गणेश दत्त और स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने इस मुद्दे पर एक साथ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वही बीजेपी ने इस मामले पर खुशीराम बालनाटा को नोटिस जारी किया है। नाहन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर तरक्की कर रहा है, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बालनाटा को चाहिए कि वे अपने दम पर चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें अपनी औकात खुद पता चल जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी अभद्र भाषा लिखने से पहले अपनी औकात पहचान लेनी चाहिए और रोड़ू का उपचुनाव जीतना केवल प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कारण हुआ है, वरना जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है मैं उसको चुनौती देके कहना चाहता हूँ जरा रिजाइन करे और दोबारा आज रोड़ू से चुनाव लड़ करके दिखाए, तब जानेंगे उसकी क्या औकात। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी के एक विधायक ने इस तरह का पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा की लोकप्रियता नहीं होती तो बालनाटा रोहड़ू से विधायक नहीं चुने जाते। हिमाचल प्रदेश में जो पार्टी का दुर्भाग्य है कि जो लोग 4-4.5 वर्षों तक सत्ता का भरपूर आनंद उठाते हैं उनकी आदत हो गई है लास्ट के सालों में अपने आप को खरा साबित करने की। उनको लगता है कि शायद अपनी माँ को गाली दे करके हम लोग अपने आप को खरा साबित करेंगे, पार्टी को गाली दे करके खरा साबित करेंगे, लेकिन उनके ध्यान में ये नहीं आता है, उनको ये ध्यान में नहीं आता है कि जब हम अपने परिवार की बातों को बाहर लेकर के जाएंगे तो उससे सबका नुकसान होगा और ना वो बचेंगे ना बाकी लोग बचेंगे। इसलिए इन सब बातों का निर्णय पार्टी के बीच आदमी को करना चाहिए और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए कई बार लोग मुख्यमंत्री जी के ऊपर छींटाकशी करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आदमी स्वयं संघर्ष करे, स्वयं मेहनत करे और काम सबके हो रहे हैं और अगर काम नहीं होते तो रोड़ू जैसी सीट को हम नहीं जीते और बालनाटा वहां से कभी भी चुनाव नहीं जीता अगर सरकार की लोकप्रियता नहीं होती। प्रदेश भाजपा की अंदरूनी राजनीति पिछले काफी दिनों से गरमाई हुई है, लेकिन विरोधी धड़ा सार्वजनिक रूप से इस तरह नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाएगा इसकी फिलहाल किसी को उम्मीद नहीं थी। वहीं पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त ने बालनाटा पर आरोप लगाया है कि वह स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालनाटा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे गोपनीय पत्र को मीडिया में जारी कर अनुशासनहीनता की है। इस मामले पर बालनाटा को नोटिस जारी किया गया है और एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा जाएगा। जवाब आने के बाद बालनाटा पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो विधायक रोड़ू से खुशीराम बालनाटा जी हैं, उन्होंने एक पत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा है उसका जो मीडिया में पत्र के माध्यम से जो हमको पता लगा है वो पत्र बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक प्रकार से पार्टी की छवि और पार्टी को कमजोर करने की ओर इंगित करता है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस नेतृत्व ने उनको पहली बार रोड़ू जैसे विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन करके भेजा और उस नेतृत्व के बैनर के नीचे वो विधानसभा की दहलीज तक पहुंचे हैं, उसी नेतृत्व को बदलने की बात कहना ये ऐसा है कि जिस पेड़ के आप फल खा रहे हैं और उसी को काट रहे हैं और उसी की छवि को खराब कर रहे हैं। भाजपा के भीतर मचे बवाल का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला।
तो आखिर बीजेपी दिग्गजों के आक्रोशित होने की वजह क्या है? इसकी प्रमुख वजह है बीजेपी विधायक खुशीराम बालनाटा, जिन्होंने शिमला नगर निगम चुनाव में पराजय के बाद बीजेपी सरकार में तेजी से नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई है। रोड़ू के विधायक खुशीराम बालनाटा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पत्र लिखकर मांग की है कि अगर प्रदेश में पार्टी को पुनः सत्ता में लाना है तो तुरंत नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, अन्यथा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके इस पत्र के साथ अधिकतर विधायकों व मंत्रियों की भी भावनाएं जुड़ी हैं तथा ये सभी लोग सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। खुशीराम बालनाटा ने नितिन गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि शिमला नगर निगम के साथ 3 विधानसभा क्षेत्र सीधे तौर पर जुड़े हैं। इस चुनाव में मार्क्सवादी व कम्युनिस्ट पार्टी को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारी बढ़त मिली है और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आम जनता में भाजपा सरकार की छवि एक भ्रष्टतम सरकार की बन चुकी है। पार्टी कार्यकर्ता भी सरकार पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और क्षेत्रवाद के आरोप लगा रहे हैं। चुनावी वर्ष में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ है और आने वाले समय में इसमें और गर्मी आने की संभावना है। चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी निराशाजनक और चिंताजनक परिणाम थे। 28 तारीख को परिणाम निकले और 30 तारीख को मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा और मैंने उनसे कहा कि जिस ढंग के परिणाम आए हैं ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ पे कम्युनिस्टों का जो पूरी कंस्टिट्यूंसी में कोई व्यापक आधार नहीं है, उसके बावजूद भी 25 में से 23 वार्डों में वो बढ़त ले गए और बड़े मार्जिन के साथ मेयर और डिप्टी मेयर उनके चुने गए। और बहुत सी बातें हैं जो पार्टी के सरकार का इनकंबेंसी है वो दूर नहीं होगा अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल की मंत्रिमंडल से विदाई तय है। राजीव बिंदल अब संगठन का कामकाज देखेंगे। उनको प्रदेश बीजेपी का महासचिव बनाया गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव बिंदल भाजपा के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करीब एक हफ्ते तक कार्रवाई नहीं चलने दी थी। अब बीजेपी आलाकमान ने डॉक्टर राजीव बिंदल का मंत्रिमंडल से हटाने के फरमान जारी किए हैं। पिछले कुछ समय से भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप भाजपा से हिलोपा में शामिल हुए नेता और कांग्रेस लगाती रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार मामले पर गंभीर दिखे हैं। बीते बुधवार भाजपा हाईकमान ने राजीव बिंदल को मंत्रिमंडल से हटाने व प्रदेश भाजपा में महासचिव पद की अहम जिम्मेदारी देने के फरमान जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी सरकार व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती रही है। यहाँ तक कांग्रेस ने जमीन खरीद मामले में विधानसभा सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के इस्तीफे की मांग भी की थी। इस मुद्दे पर करीब एक सप्ताह तक विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई थी। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के दबाव में आकर राजीव बिंदल ने इस्तीफा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सौंप दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर आक्रामक थे। आइए सुनते हैं विधानसभा सत्र के दौरान तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव बिंदल को लेकर क्या कहा था। जिसके डॉक्टर बिंदल के डॉक्यूमेंट से हम उनको पेश करने जा रहे थे विधानसभा में, हम सच्चाई से बात करने जा रहे थे और इशू थे, ऐसे इशू नहीं कि हम फालतू इशू जैसे आज भी कह रहे हैं कि जी वो इशू थे नहीं, ये नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं। सफेद हमने पर से इशू थे, ये नहीं चाहते थे, बिंदल को बचाना चाह रहे थे। बिंदल साहब को इतना परेशानी हुई दिल में कि क्या हो गया मेरे ऊपर, ये हफ्ता आ गया और आज उन्होंने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? एक आधे घंटे में उसको चुटकी में माफ कर दिया, इंक्वायरी बिना इंक्वायरी की। ये कहते हैं मुख्यमंत्री, हम समझते कि मैं इसकी इंक्वायरी करता, हमसे बात करते कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम देखेंगे अगर कोई सच्चाई है तो हम कुछ करेंगे। हमने उन्हें बिना पूछे भ्रष्टाचार से सहमत नहीं, हम कह रहे हैं क्या है उनका, क्या हिस्सा है, हिस्सेदारी है, क्या दोस्ती है, क्या रिश्तेदारी है, कुछ तो होगा। मुख्यमंत्री को पता था कि, और बिंदल को उन्होंने कहा था कि ड्रामे के तौर पे इस्तीफा अपना दे देना विधानसभा के अंदर और मैं आपको क्लीन चिट दे दूंगा। अच्छा। इसे क्लियर है कि धूमल साहब भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कि बिंदल जो है डॉक्टर बिंदल के खिलाफ कई आरोप लगे हैं, डॉक्यूमेंट के साथ आरोप लगे। प्रदेश भाजपा में पिछले कुछ समय से मजा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर
भाजपा के मिशन रिपीट पर देखने को मिलेगा। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल शिमला। प्रदेश बीजेपी में मचे बवाल के बाद अब नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल के मंत्रिमंडल से जल्द त्याग पत्र देने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं एक बार फिर बनने लगी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल को अब बीजेपी का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उनको कैबिनेट पद से इस्तीफा देना पड़ा। मंत्रिमंडल में एक पद खाली होने के बाद अब इस पद को पाने के लिए लंबित शुरू हो गई है। प्रदेश भाजपा में ताजा घटनाक्रम घटने के बाद भाजपा विधायकों में एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह पाने की उम्मीद बंधी है। मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा से जुड़े सूत्रों की माने तो भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक सुरेश भारद्वाज का नाम मंत्री पद के लिए सबसे ऊपर चल रहा है। इससे पहले वह तब मंत्री बनने से रह गए थे जब जगत प्रकाश नड्डा ने वन मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। उस वक्त तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खीमी राम को वन मंत्री बनाया गया था। अब एक बार फिर शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सुरेश भारद्वाज शिमला के विधायक हैं और वह पार्टी के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मंत्री बनने के लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल शिमला। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार है। सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के गरीब लोगों की जमीनें बाहरी राज्यों के लोगों को बेची जा रही है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार में बीजेपी के कई मंत्री शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल मुद्दे को कांग्रेस ने पहले ही प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव में एक महीने पहले अपनी चार्जशीट जारी करेगी। के जहाँ तक शिमला कॉरपोरेशन की बात है, ये मैं इसको कोई असेंबली के लिए इंडिकेटर नहीं मानता। और उसकी अगर आप एग्जांपल चाहे तो मैं 3-4 दे सकता हूँ पिछला, तो इसलिए वो कोई इंडिकेटर नहीं है। लोकल इश्यूज हैं, हाँ उसमें हम एक जगह पे मात खा गए कि जो उनके भ्रष्टाचार के जो आरोप थे स्टेट के, वो पूरे तौर पे उजागर नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने हमारे जो नेशनल इश्यूज थे, यानी ये हमारी कार्यशैली में कहीं ना कहीं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। बिलासपुर में मीडिया में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 8 सालों के शासनकाल में जनविरोधी नीतियां लागू की है। इन नीतियों से आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासन के दौरान देश की आर्थिक हालत खराब हुई है और आर्थिक विकास दर में भारी गिरावट आई है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 8 सालों के शासनकाल में जन विरोधी नीतियाँ लागू की हैं। इन नीतियों से आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासन के दौरान देश की आर्थिक हालत खराब हुई है और आर्थिक विकास दर में भी भारी गिरावट आई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की भ्रष्ट नीतियों के चलते युवा मोर्चा ने कांग्रेस सत्ता से हटाने के लिए देश भर में अभियान छेड़ दिया है। केंद्र की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उससे आम आदमी त्रस्त है। देश को दोनों हाथों से कांग्रेस ने लूटा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है और 14 से 20 जून तक हम पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं और 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, कांग्रेस के 8 वर्ष के शासनकाल में आम आदमी मरने पर मजबूर हो गया है, देश की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है। ये केवल हम नहीं कह रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पूअर जैसी कंपनीज कहती हैं कि अगर भारत ने अपनी नीतियां नहीं सुधारी, सरकार का कामकाज का तरीका नहीं सुधरा, सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो नहीं सुधरा, तो भारत की रेटिंग और गिर जाएगी। कुलभूषण चंबा, 7C हिमाचल आजकल बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।